अब बात करेंगे फतेहाबाद से खबर की, जहां पर पेंशन वृद्धि को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। दो साल में 5100 रुपए हो पेंशन, ये प्रयास जारी है, ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी फतेहाबाद से आपको बता रहे हैं। पेंशन वृद्धि पर डिप्टी सीएम ने बयान दिया, दो साल में 5100 रुपए हो पेंशन, इसका प्रयास लगातार जारी है, ये दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी फतेहाबाद से इस वक्त आपको बता दें, पेंशन वृद्धि को लेकर बोले हैं डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि दो साल में 5100 रुपए पेंशन हो, ये प्रयास जारी है। पेंशन कोई जीएसटी कलेक्शन से नहीं आती, आप लोग पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ बारी बारी जीएसटी की कलेक्शन को पेंशन से जोड़ रहे। पेंशन एक सोशल वेलफेयर स्कीम है जो प्रदेश सरकार ने चौधरी देवीलाल जी के समय चलाई और देश ने उसको अडॉप्ट किया। वो कहाँ से दिया जाएगा, उसका जीएसटी एक्साइज माइनिंग इस रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं, मगर बिल्कुल स्टेट हेड देखने पड़ेंगे। हमें और भी स्कीम्स प्रदेश के अंदर नई लागू करनी है, उसके लिए भी हमें चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ेंगे। उसके बाद सर दो साल रह गए, 5100 हो जाएगी लास्ट, मैं इसके लिए मेरा अंतिम प्रयास करूँगा।